हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास सिक्स का चैप्टर वन हिस्ट्री बुक से आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और वो भी हिंदी में। चैप्टर का टाइटल है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पास्ट में लोग क्या क्या काम करते थे, क्या चीज़ें खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ पर रहते थे, कैसे हिस्टोरियंस उनके बारे में पता लगाते हैं, और किस टाइम पीरियड में किस टाइप के लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते थे। चैप्टर के बिगनिंग में एक रशीदा का क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, जिसमें रशीदा नाम की एक बच्ची जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और उसकी नज़र अचानक पड़ती है एक वाक्य के ऊपर जिसमें लिखा है 100 ईयर्स अगो। वो सोचने लग जाती है कि कोई इंसान ये कैसे पता लगा सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अगर हमें पास्ट के बारे में पता लगाना है, यस्टरडे है वो भी पास्ट है एक, तो उसको पता लगाने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर लास्ट ईयर के बारे में पता लगाना है, हम किसी से भी पूछ सकते हैं जो भी कोई घटना के वक्त वहाँ पे मौजूद था। लेकिन अगर हमें हजारों साल पहले का पता लगाना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए हम मैनुस्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस पढ़ सकते हैं। मैनुस्क्रिप्ट वो चीज़ें होती हैं जो हाथ से लिखी होती हैं। हाथ से लिखी हुई कोई भी बुक वो कहलाएगी मैनुस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन होते हैं, हार्ड सरफेस पे लिखते हैं इसको, जैसे कि स्टोन है या मेटल है, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जो पास्ट में लिखते थे, राजा वगैरह लिखवा देते थे, तो इनको पढ़ के हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि 100 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था। हम पास्ट के लोगों के बारे में क्या पता लगा सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, कैसे घरों में रहते थे। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हंटर थे, जो शिकारी थे, वो कैसा जीवन जीते थे। हर्डर्स, हर्डर्स होते हैं जो जो पशुओं को रखते थे ग्रुप में, उनको हर्डर्स कहते हैं। फार्मर्स भी थे पास्ट में, वो कैसे जीते थे। राजा भी थे पास्ट में, वो कैसे जीते थे। मर्चेंट्स भी थे, मर्चेंट्स होते हैं व्यापारी। प्रीस्ट भी होते थे, प्रीस्ट थे पुजारी। और क्राफ्ट पर्सन्स भी थे, और आर्टिस्ट भी थे, और म्यूजिशियंस भी थे, और साइंटिस्ट भी थे। ये सारे पास्ट में थे, तो हम इनके लाइव्स के बारे में भी जान सकते हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि पास्ट में बच्चे कैसे गेम्स खेलते थे, कैसी स्टोरीज उनकी नानी उनको सुनाती थी, कैसे प्लेज वो देखते थे, जैसे आपके प्ले होते हैं ड्रामा एट्सेट्रा, तो किस टाइप के ड्रामा वो देखना पसंद करते थे, कैसे गाने गाना उनको पसंद था। तो पास्ट के बारे में हम इतनी सारी चीज़ें उनके बारे में पता लगा सकते हैं। फिर आगे आपकी बुक में बताया है कि सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो, हजारों साल पहले, रिवर नर्मदा के किनारे स्किल्ड गैदरर्स रहते थे, और वो हंटिंग भी करते थे। गैदरर्स होते हैं जो जंगल में जाके प्लांट्स की जो कुछ प्रोड्यूस है या कोई चीज़ें हैं प्लांट की जो हम यूज कर सकते हैं, उनको गैदर करके लाते हैं, इकट्ठे करके लाते हैं, इसलिए उनको गैदरर्स कहते हैं। प्री स्किल्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। स्किल्ड गैदरर का मतलब है कि उनको पूरी नॉलेज थी कि कौन से फॉरेस्ट में कौन सा पेड़ है, उसके कौन सा फल लगता है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो पॉइजनस होते हैं, बिल्कुल पॉइजन होता है उनमें, अगर आप उसको खा लोगे तो मर जाओगे, पर इनको हर चीज़ की नॉलेज थी, इसलिए इनको स्किल्ड गैदरर कहा है। और ये फॉरेस्ट से प्रोड्यूस इकट्ठा करने में बिल्कुल माहिर थे। फिर आगे सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में देखते हैं हम। सुलेमान और किरथार हिल्स जो हैं इधर आज पाकिस्तान वाले रीजन में हैं, तो इसमें बताया गया कि 8000 साल पहले यहाँ पे सबसे पहली जो क्रॉप्स थी वो उगाई गई थी, और वो क्रॉप्स थे वीट और बार्ले। कहाँ उगाई गई थी ये? सुलेमान और किरथार हिल वाले एरिया में। ये लोग पशुओं को भी पालते थे, रियरिंग एनिमल होता है पशु पालना, और ये शिप रखते थे, भेड़ हैं जैसे, बकरी है, और कैटल, बाकी के जो पालतू पशु होते हैं वो भी ये पालते थे, और ये गांव में रहते थे। ये यहाँ पे नोट करने की बात है कि सबसे पहले आदि मानव जो था वो या तो गुफाओं में रहता था, केव्स के अंदर, या ट्रीज पे रहता था, पर 8000 साल पहले इन एरियाज में लोग गाँव में रहने लग गए थे।
फिर डिस्कस करते हैं चलिए गारो हिल्स को। गारो हिल्स वो इलाका है जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी। गारो हिल्स है यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे है गारो, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी। और जो विंध्याज हैं, विंध्या माउंटेन्स हैं, ये विंध्या यहाँ पे इस एरिया में है। तो विंध्याज के नॉर्थ में जो है सबसे पहले राइस यहाँ पे उगाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज को। ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है। ट्रिब्यूटरी वो नदी होती है जो पीछे से आके इस नदी में गिर जाती है, तो उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी, काफ़ी सारी नदियां आके इंडस में गिर रही हैं, जैसे सतलुज है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिटीज डेवलप हुए थे 4700 ईयर्स अगो। तो ये यहाँ पे फ्लोरिश होना का मतलब होता है डेवलप हुए थे, फले फूले थे। और 2500 साल पहले गंगा नदी के साउथ में एक मगधा नाम का साम्राज्य पैदा हुआ था। इसके अलावा और भी काफ़ी साम्राज्य थे, किंगडम थे, जैसे अवंती है, चेत्या है, वत्सा है, ये सारे किंगडम्स के नाम हैं। सूरसेना, कोसाला, मल्ला, वज्जी, और यहाँ पे जैसे पंचाला, कुरु और गंधारा, ये सारे राज्य थे उस टाइम। तो इसी टाइम ये सारे किंगडम्स जो हैं सब कॉन्टिनेंट में बने थे। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है ये जो जितने भी देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बर्मा एंड ऑल बांग्लादेश, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। सब कॉन्टिनेंट वो जगह होती है जो पूरा कॉन्टिनेंट तो नहीं होता पर इतनी बड़ी है, वो उसको हम सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। और वो सब कॉन्टिनेंट थोड़ा सा हट के दिखता है कॉन्टिनेंट से, जैसे यहाँ पे हिमालय जा जाते हैं तो एशिया बाकी तो उधर रह गया उस साइड, ये इतना सारा हिस्सा इधर निकला हुआ है, तो इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, क्योंकि इंडिया सबसे लार्जेस्ट इसमें रीजन है। अब आगे एक नया टॉपिक दे रखा है आपकी बुक में बच्चों, इसमें इन्होंने दे रखा है कि पास्ट में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। बोले एक तो अपनी लाइवलीहुड की सर्च में, मतलब आजीविका, रोटी रोजी की तलाश में वो घूमते थे, रोटी रोजी। फिर है वो नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। नेचुरल डिजास्टर में जैसे आपकी फ्लड हो गई, ड्रॉट हो गया, ड्रॉट होता है सूखा पड़ जाना, तब सूखा पड़ जाएगा, पानी नहीं है, तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, दूसरों की लैंड को कॉन्कर करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए भी घूमते थे। ट्रेडर्स भी ट्रेड के पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कारवाज में। कारवा होता है ढेर सारे जैसे कैमल्स या हॉर्स कार्ट लेके वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उसको कारवा बोल देते हैं। अगर ढेर सारी बाइक्स जा रही हैं, ढेर सारी बसें जा रही हैं इकट्ठी होके, उसको भी कारवा बोल देते हैं। तो ये जो ट्रेडर्स थे वो ऐसे ग्रुप बना के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि उनके सामान को कोई लूट ना सके। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रिलीजन को प्रीच करने के लिए, जैसे कि संत लोग होते थे, जैसे गौतम बुद्धा को ले लो, महावीर जैन को ले लो, गुरु नानक देव जी को ले लो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, लोगों को सलाह देते थे, उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे कि आपको ज़िंदगी में कैसे करना चाहिए। तो ये भी पर्पज़ होता था एक पास्ट में, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाता था। कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी जाते थे। एडवेंचर का मतलब है कि वो उनको कहीं जाना अच्छा लगता है, रोमांचित महसूस करते हैं वो, तो वो ऐसे पहाड़ों वगैरह पे घूमने जाते थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाहर से आके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे बस गए थे। सब कॉन्टिनेंट मैंने बताया था ना कि इंडिया के साथ साथ ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये सारा रीजन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो बाहर से लोग आए और यहाँ आके सेटल हो गए थे। इस वजह से उन्होंने अपने आइडियाज़ इंडिया वालों को दिए, इंडिया वालों ने भी उनको दिए, और एक बिल्कुल ही नए क्रिएटिविटी और एक नया कल्चर जो है हमारा डेवलप हुआ, तरह तरह के आइडियाज़ मिक्स करके। आजकल लोग क्यों घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह? वेरी सिंपल, जॉब के लिए घूमते हैं, एडवेंचर के लिए घूमते हैं कि उनको अच्छा लगता है, थ्रिल महसूस होता है इसलिए जाते हैं। खुशी के लिए जैसे पिकनिक पे गए आप, प्लेजर के लिए गए, बिजनेस पर्पज से गए, स्टडी पर्पज से लोग चले जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने, कोई दिल्ली चला गया अपने ही देश में, तो ऐसे स्टडी पर्पज से भी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। अब पता करते हैं नेम्स ऑफ लैंड, कैसे किसी भी लैंड को एक नाम मिलता है।
यहाँ पे भारत का और इंडिया का एग्जाम्पल दे रखा है। इंडिया के इतने सारे नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, कैसे पढ़े ये सारे नाम। ये एक नदी है इंडस रिवर, जिसका हमने पीछे जिक्र किया था। इस इंडस से हमारा नाम पड़ा इंडिया। इसी इंडस को हिंदी या संस्कृत में बोलते हैं सिंधु, तो पास्ट में इसको बोलते थे सिंधु। ये जो ग्रीक लोग थे जो इंडिया में आए थे, ये जो है स को प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, ये स को बोलते थे है। तो अब ये नदी कौन सी बन गई? हिंदू। तो इन्होंने क्या किया भी, इस हिंदू के पास जो रहते वो सारे हिंदू हैं, तो इन्होंने हमें नाम दे दिया हिंदू। मतलब इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है हिंदू वर्ड का, ये सिंपली इन्होंने इस नदी से हमें हिंदू बुलाना शुरू कर दिया, सिंधु नदी से। फिर उसके बाद ईरानियंस आए सेंट्रल एशिया वाले रीजन से, फिर इन्होंने जो है इस हिंदू को थोड़ा और बढ़ा के, जैसे जो हिंदुओं का जो स्थान है वो बन गया हिंदुस्तान, तो ऐसे हमारा ये और नाम हमें मिल गया। तो इससे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हिंदू हमारे धर्म का नाम नहीं है। हमारे वेदों में कहीं पे भी आपको हिंदू नाम, हिंदू वर्ड लिखा नहीं मिलेगा। तब क्वेश्चन उठता है कि फिर हमारे रिलीजन का नाम क्या है भाई? हमारे रिलीजन का नाम है सनातन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम है हमारे रिलीजन का सनातन। ये थोड़ी फनी बात होगी, जैसे कोई बाहर से आए, आपका नाम है मोहन, वो आपको बोलता कि आपका नाम मोहन नहीं है, आपका नाम है पिंकू, और आप सबको बताते फिर रहे हो आई एम पिंकू, आई एम पिंकू। थोड़ा फनी लग रहा है, पर हमने ये हमारे रिलीजन के बारे में ये गलती की है। आगे देखते हैं कि भारत कैसे हमारे देश का नाम पड़ा। आपकी बुक में लिख रखा है कि ऋग्वेदा, जो कि एंशियंट सबसे पुराना वेद है, उसमें लिखा है कि भारत ट्राइब के लोग रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा था भारत। हाँ, ये बात सच है, पर उसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है। ये जो बच्चा आप पिक्चर में देख रहे हो, इस बच्चे का नाम है भरत। ये दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। दुष्यंत एक राजा थे, शकुंतला एक ऋषि की लड़की थी। तो उसने शकुंतला से शादी की थी, वो वापस राज्य में चला गया था, पर बाद में वो वहां जाके उसने शकुंतला को भुला दिया। यहीं अपने फादर के पास रहती थी, वेट करके करते करते उसकी डेथ हो गई। फिर जब एक दिन राजा को याद आई, तो जब उसने आके देखा तो ये उसको भरत जो है यहाँ पे मिला, और भरत को वो अपने राज्य में ले आए। फिर ये बड़ा होके बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग और पावरफुल एक राजा बने, और इन्होंने काफी राजाओं को हरा के एक स्ट्रोंग किंगडम इस्टेब्लिश किया, और उस भरत के किंगडम को बोलते थे भारत वर्ष, और वहीं से हमारे देश का नाम पड़ा भारत वर्ष। पास्ट के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। बहुत सालों पहले जो बुक लिखी गई थी, हम उनको पढ़ सकते हैं। उन बुक्स को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू का मतलब होता है हाथ, मैन्यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हाथ। तो जो हाथ से लिखी गई वो बुक कहलाई मैन्यूस्क्रिप्ट। इसको हम पढ़ सकते हैं और पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। ये जो हाथ से लिखते थे पुराने जमानों में, पेपर तो होता नहीं था, ये पाम ट्री के जो लीव्स होते थे उस पे लिखते थे, या एक बर्च नाम का पेड़ होता है जो हिमालय में पाया जाता है, उसके तने से जो छाल उतारते हैं, जो बार्क उतारते हैं, उसको पतली करके उस पे लिखते थे। ये एक बर्च का ही बार्क है जिस पे लिख रखी है। इसको हिंदी में भोजपत्र बोलते हैं, और ये एक बहुत ही स्ट्रोंग पेज की तरह होता है, ये इतनी जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होता, और इसको आजकल भी जो तांत्रिक लोग वगैरह हैं वो जो तावीज वगैरह बनाते हैं, वो इसी पे कुछ जादू मंत्र के लिखते हैं और तावीज बनाते हैं। तो ये आजकल भी दुकानों पे अवेलेबल होता है। आगे चलते हैं। कुछ ऐसी मैनुस्क्रिप्ट हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई, क्यों? क्योंकि वो पत्तों पे लिखी थी, उनको संभाल के रखा नहीं गया। लेकिन कुछ मैनुस्क्रिप्ट आज भी टेम्पल्स में प्रिजर्व करके रखी हुई हैं, और कुछ मोनास्ट्रीज में। मोनास्ट्री होते हैं जो जैन और बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके जो रिलीजियस प्लेस होते हैं जैन और बुद्धिस्ट के, जहाँ पे मंक्स रहते हैं उसको मोनास्ट्री बोलते हैं, और ऐसी होती हैं। तो ऐसे मोनास्ट्रीज में भी इन्होंने प्रिजर्व करके जो है ये मैनुस्क्रिप्ट रखी हैं, जिनको हम पढ़ के पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं।
ये जो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं ये हमें राजाओं के बारे में बताती हैं, कौन सी मेडिसिन वो यूज करते थे, कौन सा साइंस वो अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते थे, पास्ट के लोग। ये जो मैनुस्क्रिप्ट हैं इनमें पोइम्स भी मिलती हैं, इनमें प्लेज भी मिलते हैं, प्ले जैसे आपका ड्रामा होता है वो, और एपिक्स भी होते हैं। एपिक्स होती है लॉन्ग पोइम, जैसे आपने एक छोटी सी पोइम लिख दी 10 लाइन की, वो पोइम कहलाएगी, पर अगर 1000 लाइन्स हैं उसमें तो वो एपिक बन जाएगी, महाकाव्य इसको हिंदी में बोलते हैं। पोएम हो गई काव्य, एपिक हो गया महाकाव्य। और ये किस लैंग्वेज में लिखी होती है मैनुस्क्रिप्ट जो पास्ट के में मिलती है? ये संस्कृत में भी है, प्राकृत में भी है, तमिल में भी है, और एक और लैंग्वेज भी है जो यहाँ मेंशन नहीं कर रखी, पाली भी एक लैंग्वेज थी, उसमें भी मैनुस्क्रिप्ट लिखी आपको मिल जाएंगी। आइए बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शन जो है वो हैंड रिटन मटेरियल होता है जो हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, जैसे पत्थर पे लिख दिया और मेटल पे लिख दिया। तो जो राजा होते थे वो अपने ऑर्डर्स को खुदवा देते थे स्टोन के ऊपर, तो आज भी हमें वो मिल जाते हैं और हम उनको पढ़ के पास्ट का पता लगा सकते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस पे लोगों के एक्शंस भी लिखे मिलते हैं। कैसे कैसे एक्शंस लिखेंगे इंस्क्रिप्शन पे? जैसे एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, उसने एक टेम्पल बनवाया, टेम्पल बनवा दिया, अब वहां पे उसने एक पत्थर भी रखवाया और उस स्टोन के ऊपर लिखवा दिया कि मेरा नाम रामचंद है, मैंने ये मंदिर 7000 AD में बनवाया, इतने रुपए इस पे खर्च कराए, ये शिव जी का मंदिर है, ऐसे कुछ भी लिख देगा वो। तो ये हो गया एक्शन ऑफ पीपल कि आपने कोई अच्छा काम किया और वो भी पत्थरों पे आप लिखवा देते थे। तीसरी चीज जो है जो इंस्क्रिप्शन में लिखी मिलती है वो है जब राजा लोग किसी को हरा देते थे युद्ध में, वो उसको भी पत्थरों पे लिखवा देते थे। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इनके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी होती है लिखने में, उसको डिस्कस करते हैं। फायदा ये है कि इंस्क्रिप्शन पे आपने कुछ भी लिख दिया वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, हजारों साल 50,000 साल खत्म हो जाए जाए लेकिन वो खत्म नहीं होगा, एज इट इज आपको मिल जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे आपने मैनुस्क्रिप्ट में लिख दिया उसको मिटा के कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा इंस्क्रिप्शन पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अब इसकी डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज में है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इसको लिखने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उकेरना पत्थरों के ऊपर आना भी चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं धरती को, खुदाई करते हैं। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना। तो इन्होंने खुदाई की और वहां से कुछ टूल्स निकाले, वेपन्स निकाले, बर्तन निकाले, पैन्स निकाले, ऑर्नामेंट्स निकाले, कॉइन्स निकाले, सब निकाल लिए, फिर इनको ये स्टडी करेंगे। और ये चीजें बोन्स की भी बनी होती हैं, पत्थर की भी बनी होती हैं, मिट्टी की भी बनी होती हैं और मेटल की भी बनी होती हैं। तो इन सबको आर्कियोलॉजिस्ट धरती से निकाल के और इनको स्टडी करते हैं। जो चीज़ें हार्ड चीज़ों की बनी है और इम्पेरिशेबल मटेरियल की बनी है, इम्पेरिशेबल का मतलब है जो जल्दी से खत्म ना हो। तो ऐसा मटेरियल कौन सा होगा, जैसे पत्थर है, मेटल है, तो इन इनकी जो चीजें बनी होती हैं पास्ट की वो हमें खुदाई करके मिल जाती हैं। लेकिन अगर कोई सॉफ्ट चीज की बनी हुई थी वो खत्म हो जाती है, मिट्टी में डीकम्पोज हो जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पक्षियों की और पशुओं की बोन्स को भी स्टडी करते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं भाई, बोन्स को स्टडी करके क्या मिलेगा पशुओं की बोन्स को? डियर स्टूडेंट्स, इससे पता लगेगा कि पास्ट में लोग क्या क्या खाते थे। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की, एक छोटा सा घर मिला, उसके आसपास मिट्टी में मिली उनको कुछ मुर्गे की बोन्स हैं, कुछ दूसरे बर्ड्स की हैं, कुछ जो है गोट की भी हैं, घर के आसपास काफी मात्रा में पड़ी मिली है। इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे कि ये लोग जो है मांस मीट भी खाते थे।
आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ग्रेन्स की भी स्टडी करते हैं, जो पास्ट में से कुछ उनको मिल जाए। अब ओरिजिनल ग्रेन तो मिलेगा नहीं, ये चार्ड फॉर्म में मिलता है, मतलब अध जला सा जल के काला काला हो गया, उसको चार्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये जो भी ग्रेन के पीसेज थे ऐसे अध जले से काले काले शेप के मिलते हैं, इनको भी ये स्टडी कर लेते हैं, उससे ही पता चलता है कि पास्ट के लोग क्या क्या खाते थे। क्या आपको लगता है डियर स्टूडेंट्स कि पास्ट में से जब हम भी एक्सकेवेट करते हैं कोई चीज़ें तो कपड़ा मिलेगा अक्सर? नहीं, कपड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि कपड़ा जो है पेरिशेबल मटेरियल का बना होता है। पेरिशेबल का मतलब है जल्दी जो ख़त्म हो जाए, तो पेरिशेबल चीज़ें जो होती हैं वो हमें नहीं मिलती, वो ख़त्म हो चुकी होती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। चलिए हिस्टोरियंस की बात करते हैं। हिस्टोरियन जो होते हैं वो पास्ट को स्टडी करते हैं, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट में और हिस्टोरियंस में क्या डिफरेंस हुआ भाई? अब ये भी सोचना पड़ेगा ना तुम लोगों को। आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता सिंपली खुदाई करा, जमीन के अंदर से चीज़ें निकाली, वो हिस्टोरियंस को दे देते हैं। अब हिस्टोरियंस का ये काम है कि उन सारी चीज़ों को वो यूज करेंगे, जैसे जो मैनुस्क्रिप्ट मिली उसको भी पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन मिले उनको भी पढ़ेंगे, और जो आर्कियोलॉजी में जो खुदाई में जो मिला उन चीज़ों को भी साथ रखेंगे। फिर जैसे जासूस होता है, जासूस सभी क्लूज को यूज करके कंक्लूजन निकालता है, ऐसे ही हिस्टोरियंस सारी चीज़ों को, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, जो खुदाई में मिली उन चीज़ों को, और जो कुछ भी अवेलेबल है उन सबको सामने रख के जासूस की तरह दिमाग लगाएंगे। जैसे उनको मिली है, उनको बाउल मिला, कटोरी मिली है, कंगा मिला है, कोम्ब, इस सब को देखा, मैनुस्क्रिप्ट को पढ़ा, फिर बताएंगे अच्छा ये लोग जो हैं कंघी यूज करते थे, इनको बाल सजाने का भी शौक था, और ये कटोरा मिला है तो ये खाना खाने के लिए जो है इसको यूज करते होंगे। इस तरीके से जो भी चीज़ें मिली हैं उसके बेसिस पे ये हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब हिस्ट्री को लिखेंगे दोबारा से। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब दोबारा से लिखना। तो इस तरीके से जो है हिस्टोरियन का काम होता है जासूस की तरह सारे सबूतों को यूज करके हिस्ट्री लिखना। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आपकी जो बुक है उसका टाइटल है आर पास्ट्स, पास्ट ये प्लूरल में क्यों है? क्या एक पास्ट नहीं हो सकता? क्या बहुत ज़्यादा पास्ट थे हमारे इस वजह से बुक का टाइटल पास्ट्स है? तो चलिए ये डिस्कस करते हैं कि पास्ट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स हैं उनका पास्ट अलग होगा, किंग्स और क्वींस हैं उनका पास्ट अलग है, किंग्स का काम होता है वॉर्स करना, किंगडम को प्रोटेक्ट करना, लेकिन फार्मर का काम है खेत में क्रॉप्स को उगाना, तो इनके पास्ट अलग अलग मिलेंगे। मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एक साइड हैं आपके क्राफ्ट पर्सन्स। क्राफ्ट पर्सन क्या करेंगे? क्राफ्ट पर्सन सिंपली जो है चीज़ें बनाएंगे, पर ट्रेडर्स उनको दूर दूर बेच के आएंगे, तो इनके भी अलग अलग पास्ट हुए। और पास्ट में जो लोग हैं उनके अलग अलग कस्टम होते थे, अलग अलग प्रैक्टिसेस होती थी, इसी वजह से बहुत सारे पास्ट हो जाते हैं और ये प्लूरल वर्ड यूज किया गया है। एक और दूसरा एग्जांपल दे रखा है प्रेजेंट से कि अगर आजकल भी देखें अंडमान जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे लोग आज भी फिशिंग से, हंटिंग से, गैदरिंग से ही काम चलाते हैं अपने फूड हैबिट्स का, पर हम देख लो सिटीज़ में हमारे तो टोटली अलग होते हैं, हम कोई हंटिंग फिशिंग के लिए थोड़े जाते हैं, तो आज ही इतना डिफरेंस है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंस जो है पास्ट में भी होते थे और इसी वजह से हमारे ढेर सारे पास्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस बता रखा है इसमें कि जो राजा लोग थे वो तो अपने एक्शंस को रिकॉर्ड कर देते थे बुक्स में, इंस्क्रिप्शंस में खुदवा देते थे, पर जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो अपने चीज़ें इंस्क्रिप्शंस में नहीं लिखवाता था। तो अगर हमें ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में पता लगाना है, साधारण आम आदमी के बारे में पता लगाना है पास्ट का, तो आर्कियोलॉजी में जो खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उन्हीं को देख के हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो कैसा जीवन जीते थे। डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आप किसी से पूछते हो कि आज कौन सी डेट है, तो आज जैसे उसने आंसर दिया आज 26 मई 2021, और उसके साथ लगा देते हैं ये लोग एडी। एडी का क्या मतलब है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो है एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। कौन से लॉर्ड? जीसस क्राइस्ट। तो ये जो एडी वाले ईयर्स हैं ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से शुरू हुए थे,
और दूसरी टाइप की डेट्स होती हैं जो जीसस के बर्थ से पहले जो डेट्स यूज करी जाती थी उनके आगे बीसी लिखते हैं, जैसे 1000 BC, मतलब जीसस के बर्थ से 1000 साल पहले। ये जो बीसी वाले ईयर्स हैं, इनकी एक स्पेशल बात होती है, ये उल्टी चलती हैं, उल्टी काउंट होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार की बात है, 1000 BC में एक राजा का, एक लड़के का जन्म हुआ। जब वो 50 साल का था तब वो राजा बना। तो किस ईयर में राजा बना, इसमें आप बैकवर्ड जाओगे, इसको माइनस करोगे तो आप बोलोगे ये 950 BC में ये राजा बना। पर यही बात अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक लड़का था, उसका जन्म हुआ 1000 AD में, जब वो 50 साल का था तब वो राजा बना, तो किस ईयर में राजा बना, इसको आप प्लस कर दोगे, सीधा बोलोगे आप 1050 में। तो डिफरेंस समझ में आ गया कि जो BC होते हैं वो बैकवर्ड काउंट होते हैं और AD होते हैं वो फॉरवर्ड काउंट होते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ तैयार करी गई हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ मैं, जिनके ऊपर क्लिक करके आप जो है गेम्स खेल सकते हो, और वो गेम्स जो हैं टोटली चैप्टर के बेसिस पे ही होते हैं। तो इसको आप कैसे खेल पाओगे, सबसे पहले जैसे आपने वीडियो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो ऐसे आपको सीन दिखेगा, ये जो दिख रहा है सामने, इस वीडियो के बिल्कुल राइट में बॉटम में ये निशान है, आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आगे आपको आपके सामने ऐसा पेज ये नीचे खुलेगा। ये जो दे रखे हैं ये लिंक है इसके अंदर, जैसे ये हिंदी इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन का लिंक होता है, हिंदी वाले ट्रांसलेशन का लिंक है, ये एक्टिविटी होगी, ये गेम्स के लिंक होते हैं। तो जैसे ही आप इनमें से सपोज आपने इस पे क्लिक कर दिया, तो इस पे क्लिक करते ही ऐसा पेज आपके सामने खुल के आएगा। इसमें यहाँ आपको कोई एक्टिविटी कोड भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे जो प्ले दिख रहा है ना, इस प्ले पे आप क्लिक करोगे, और जैसे इस प्ले पे क्लिक करोगे एक ऐसा पेज खुलेगा। फिर से एक बार और आपको ये यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये क्लिक करते ही आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आपका गेम चालू हो जाएगा, और इनमें से आप आंसर क्लिक करोगे। अगर क्रॉसवर्ड पजल है तो आप उसमें से जो बोल रहे हैं वो आप क्रॉसवर्ड पजल में ढूंढ के देंगे, और फिर आपके मार्क्स ही यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपको लगे एक्टिविटी छोटी ज़्यादा चल रही है, वर्ड्स थोड़े बड़े करने हैं, तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना, ये बड़ी हो जाएगी इससे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पे मुझे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।